Hello students, in today's class we are going to learn 10th standard English lesson number 1.4, that is All the Words a Stage. It's a poem written by William Shakespeare. So इसमें हम इसका डाइजेस्ट आंसर्स देखने वाले हैं. ऑलरेडी इसके पहले के सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, बाकी के भी अपलोडेड हैं, कुछ जो रह गए हैं वो मैं आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगी फटाफट से, ठीक है. सो यहाँ पे पहले देखिए वार्मिंग अप के क्वेश्चंस देख लेते हैं. पेयर वर्क यहाँ पे दिया गया है. टॉक टू योर फ्रेंड अबाउट ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू सेवन. सेवन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं आपको समझना है. तो सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, एक तो हमें पता है कि सात अजूबे हैं दुनिया में. एक होता है सेवन डेज इन अ वीक, हफ्ते में सात दिन जो होते हैं. सेवन डेडली सिंस, सात बहुत ही बड़ा पाप है अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियन फेथ, जैसे कि ग्लाटनी, लस्ट, ग्रीड, प्राइड, रथ, स्लॉथ एंड एनवी, ये सारे क्या हैं, सेवन डेडली सिंस हैं, पाप हैं. और आपको अपने तरीके से यहाँ पे इंटरनेट से ढूंढना है. तो देखो सात, मैं आपको बताऊँ तो ऐसा बोला जाता है सात वचन, सात फेरे, ये भी सात हैं. और सात कॉन्टिनेंट्स, सेवन कॉन्टिनेंट्स हैं, सात समुंदर है, और सात सात कलर होते हैं इंद्रधनुष में हम देखते हैं. और ऐसा माना जाता है कि एक ही फेस के सात लोग होते हैं दुनिया में, सात जन्म माने गए हैं, ये सब सारी चीज़ें. तो इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं कि दुनिया में सात सात करके है, ठीक है. बहुत सारी चीज़ें हैं जो सात मिलेंगी आपको, जैसे सात सुर होते हैं, ठीक है. ओके, देखते हैं आगे. यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, पेयर अप विद योर पार्टनर एंड नेम द फॉलोइंग, द आंसर इज गिवन. मतलब अपने फ्रेंड के साथ आपको बताना है कि क्या क्या है. सात जो वंडर्स हैं, अजूबे हैं जो वर्ल्ड में, वो यहाँ पे है. मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी करते चल रही हूँ ताकि आपको लर्न करने में ईजी हो, समझने में ईजी हो. द ग्रेट ऑल वॉल ऑफ चाइना, जो चीन की दीवार है सबसे बड़ी. क्राइस्ट द रिडेमर स्टैचू, तो एक जो स्टैचू है क्राइस्ट की वो. मच्छू पिच्छू, ओके, चिचन इट्ज़ा, ये भी सात अजूबे में से एक है. दोरोमन कोलोसियम, कोलोसियम और ताजमहल, और एक है पेट्रा. और क्या है, सेवन कॉन्टिनेंट्स, जैसा मैंने आपको बताया सात द्वीप जो हैं, सात कॉन्टिनेंट्स, ये आपने पढ़ा है सिक्स फिफ्थ में भी पढ़ा है. एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ये सात कॉन्टिनेंट्स हैं. द सेवन कलर्स ऑफ द रेनबो, यहाँ पे देखो आया है आपको एग्जांपल, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. द सेवन नोट्स ऑफ द म्यूजिकल स्केल, देखो जो इंडियन में है, हम देखें अगर क्लासिकल म्यूजिक में तो सारे गामा पाधानी, दोरे में फासो लाती, इस तरीके से ये इंडियन है और ये अलग है, ये अलग लैंग्वेज में है. द सेवन सीज ऑफ द वर्ल्ड, सात समुंदर, वो भी मैंने आपको बताया, आर्कटिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन, तो ये सात हैं. लाइफ इज ऑफन कंपेयर टू मेनी थिंग्स, राइट डाउन सेवन थिंग्स दैट लाइफ कैन बी कंपेयर टू एंड जस्टिसफाई द कंपेरिजन. सो यहाँ पे देखो दिया गया, लाइफ इज़ अ कीबोर्ड, इफ़ यू प्रेस द राइट कीज़ यू हैव टाइप्ड आउट अ गुड डेस्टिनी. ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया है आपको, लाइफ के बारे में कंपेयर किया गया है कई चीज़ों से, लेकिन यहाँ पे आपको सात चीज़ें लिखनी है जो कंपेयर किया गया है वो यहाँ पे बताना है. लाइफ इज़ अ रिवर ऑलवेज फ्लोइंग, तो किससे कंपेयर किया गया है लाइफ को, रिवर से, यहाँ पे कीबोर्ड को, कीबोर्ड से. लाइफ इज़ लाइक अ सीड, बीज की तरह है, जो कभी भी इट विल नेवर ग्रो अनलेस प्लांटेड, नरिश्ड एंड नर्चर्ड, ये कभी ग्रो नहीं होता अगर जब तक इसे हम मतलब कि जब हम इसे प्लांट नहीं करते, नरिश नहीं करते, नर्चर नहीं करते. ओके, लाइफ इज़ लाइक एन एलिवेटर विद लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं लाइफ में. लाइफ इज़ लाइक एन अनियन, यू पील ऑफ लेयर आफ्टर लेयर, अगर आप छिलते जाओगे तो देखते हो अनियन में कैसे लेयर पे लेयर होते हैं, वैसे ही हमारी लाइफ भी होती है. Sometimes it makes you weep, कभी कभी तो ये आपको रुला देती है, जैसे हम प्याज को देखते हैं, काटते हैं, छिलते हैं तो हम रोने लगते हैं, वैसे ही लाइफ भी इसी तरीके से होती है. लाइफ इज़ लाइक अ जिग्सॉ पज़ल, यू हैव ऑल द पीसेज बट यू हैव टू पुट देम टुगेदर करेक्टली, आपके पास सारे पीसेज थे लेकिन उनको आपको ऑर्डर में करेक्टली रखना होता है. लाइफ इज़ लाइक अ जैक इन द बॉक्स, यू नेवर नो वेन यू आर गोइंग टू गेट अ बॉक्स ऑन योर चीन. ओके, मैच द अप्रोप्रिएट एजेस विद द स्टेजेस, तो यहाँ पे देखो आंसर डायरेक्टली दिए गए हैं, आप टेक्स्ट बुक में से मैच कर सकते हो.
बर्थ टू 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 ईयर्स, बट टू 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 ईयर्स इसे क्या बोला गया है, बेबीहुड और इन्फेंसी। थ्री टू ट्वेल्व ईयर्स चाइल्डहुड, थर्टीन टू सेवेंटीन टीन एज बोला गया है यानी एडोलेसेंस, एटीन से फोर्टी फोर तक एडल्टहुड बोला गया है, फोर्टी फाइव से सिक्सटी मिडिल एज बोला गया है, सिक्सटी फाइव से सेवेंटी फाइव या एट्टी इसको सीनियर सिटीजन या फिर एल्डरली पर्सन बोला गया है, एट्टी अबव ओल्ड एज या फिर सेकेंड चाइल्डहुड भी बोला गया है। पैराफ्रेज यहाँ पे दिया गया है पोएम का, अगर आपको पोएम अच्छे से समझा नहीं होगा तो आप यहाँ से देख के समझ सकते हो उसे। अगर आपको चाहिए इसका एक्सप्लेनेशन तो वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, जस्ट मैं आपको डाइजेस्ट आंसर्स प्रोवाइड कर रही हूँ जो मुझे कमेंट्स आ रहे हैं वही। चलिए आगे देखते हैं अभी। फर्स्ट फोर स्टेजेस इन अ पर्सनस लाइफ, चार स्टेजेस जो बताए गए हैं, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेज इन्फेंट, सेकेंड स्टेज अ स्कूल बॉय, थर्ड स्टेज अ लवर, फोर्थ स्टेज अ सोल्जर। तो लेसन आपने पढ़ा होगा, आपको पता चल रहा होगा कि ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब यहाँ पे इसको क्या करना है, मैच करना है। इन्फेंट जस्ट मिनट, क्वेश्चन क्या बोला गया है, मैच द फॉलोइंग इन्फेंट द मेलिंग एंड पिकिंग, स्कूल बॉय क्या आएगा यहाँ पे, लवर, सोल्जर। ओके तो यहाँ पे सबका आंसर दिया गया है, स्कूल बॉय विनिंग, लवर साइंग लाइक फर्नेस, सोल्जर एक्ट्स लाइक द पार्ट। ये यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है, पैराग्राफ से ही आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ पे सारे टफ वर्ड्स की मीनिंग है, देखो यहाँ पे सचल यानी स्कूल बैग, प्लेयर्स यानी एक्टर्स, म्यूलिंग यानी क्राइंग वीकली, जोर से रोना, पिप यानी वॉमिट कर देता है जो बच्चा, वो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई। बहुत सिंपल पोएम है ये, हार्ड नहीं बिल्कुल भी। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर्स दिए गए हैं, आप देख सकते हो अंडरलाइन करके। राइट डाउन इन योर ओन वर्ड्स द डिफरेंसेस बिटवीन द सेकेंड स्टेज एंड द फोर्थ स्टेज ऑफ अ मैंस लाइफ। मैं आपको ये समझा देती हूँ। सेकेंड स्टेज किसका है, स्कूल बॉय का है, जो कंप्लेन करता है, रोता है, और ही गोज़ टू स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में चला जाता है अपने वेल स्क्रब ऐसे नहीं ऐसे इस तरीके से शाइनिंग फेस के साथ में वेल स्क्रब के साथ वो चला जाता है, और उसका स्कूल बैग जो लेके वो बहुत ही स्लोली जाता है लाइक अ स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल। तो स्नेल कैसे धीरे धीरे रेंगते हुए चलते हैं, वैसे ये बच्चा उसी तरीके से जाता है, मतलब उसका मन नहीं होता, अनविलिंगली स्कूल जाता है वो, उसका मन नहीं करता कर रहा होता है स्कूल जाने का। फोर्थ स्टेज यहाँ पे एग्रेसिव सोल्जर की तरह है, बेडेड लाइक अ लेपर्ड, लेपर्ड की तरह जैसे बेड होता है, बेडेड लाइक लेपर्ड एंड फुल ऑफ स्वेयर वर्ड्स, ही इज़ जेलस वेयर हिज ऑनर इज़ कंसर्न्ड एंड ही एंड इज़ क्विक टू क्वरल, झगड़ा करने के लिए रेडी होता है, उसका एम्बिशियस बहुत ही एम्बिशियस होता है, महत्वाकांक्षी होता है, और एंड डज यूजलेस थिंग्स, बिना मतलब के कुछ काम करता है फॉर हिज रेपुटेशन, रेपुटेशन के लिए, इवन इंडेंजरिंग हिज लाइफ फॉर इट, और अपनी लाइफ को खतरे में भी डालता है इस टाइम के लिए। ओके तो हमने यहाँ पे क्या देखा, सेकेंड स्टेज और फोर्थ स्टेज को हमने दोनों में डिफरेंस देखा, सेकेंड स्टेज में कैसा है और नीचे यहाँ पे फोर्थ स्टेज में वो कैसा है। विच टू स्टेजेस ऑफ मैन डिस्क्राइब्ड बाय शेक्सपियर साउंड ह्यूमरस, से व्हाई, द सेकेंड एंड थर्ड स्टेजेस आर ह्यूमरस, वन कैन जस्ट इमेजिन द स्कूल बॉय कंप्लेनिंग एंड विनिंग, क्रीपिंग टू स्कूल स्लोली विद अ वेल स्क्रब्ड एंड शाइनिंग फेस, the third stage where the lover sighs loudly and sings and poems and songs is also humorous. तो ये second और third stage में बताया गया कि humorous है। तो यहाँ पे one can just imagine the school boy, वो complain करता है, रोता है, school bag लेके धीरे धीरे चलता है shining face के साथ में। third stage में वो lover होता है जो कि आहें भरता है, गाने लिखता है, गाता है, यहाँ पे भी वो humorous है। कम्प्लीट द फॉलोइंग टेबल बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट, तो यहाँ पे देखो स्टेजेस ऑफ मैन रोल, यहाँ पे इन्फेंट फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ स्टेज दिए गए हैं, फोर्थ चारों साथ में देखते हैं हम। फर्स्ट है इन्फेंट का, शिशु का, एक बच्चे का छोटे से। क्वालिटीज़ क्या है उसकी, फ्राइटन, डरा हुआ है, रोता हुआ है, प्यूकिंग यानी वॉमिटिंग वगैरह कर रहा है। सेकेंड कैसा है, स्कूल बॉय है, दुखी है, विनिंग, क्रिपिंग अनविंगली टू स्कूल, स्कूल नहीं जाना चाहता है। थर्ड लवर का है जो वो फुल है और साई कैसे साय कर रहा है यानी आहें भर रहा है, क्रीपिंग एंड विलिंगली टू स्कूल। ओके थर्ड जस्टमेंट, यहाँ पे सिंगिंग एंड सैड बैलेड्स, ठीक है, यहाँ पे गाने गा रहा है।
ये तो इसका है, स्कूल बैग का। फोर्थ कैसा है, सोल्जर है, जेलस इन ऑनर, ऑनर के लिए जेलस है वो, यानी उसको सम्मान चाहिए, एम्बिशियस है, झगड़ा करता है, खतरों का सामना करता है, एक सोल्जर की तरह है वो इसमें। एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन पोएटिक डिवाइसेस, सो पिक आउट द लाइन्स दैट कंटेन इमेजरी, अ पिक्चर क्रिएटेड इन द माइंड बाय यूजिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग पीपल। स्कूल बॉय कैसा है, द विनिंग स्कूल बॉय विद हिज सैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक अ स्नेल अनविलिंग टू स्कूल, ये हमने बार बार देखा। सोल्जर किस तरीके से, फुल ऑफ स्ट्रेंथ ओथ्स एंड वेयर्ड लाइक द पार्ड, पार्ड यानी लेपर्ड की तरह बोला गया है। जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वारल, इस तरीके से है वो सोल्जर। द पोएम इज एंटायरली मेटा, यस मेटामॉरफिकल है ये, ओके मेटाफोरिकल क्या होता है, यानी जैसे हम दे मेटाफर, ओके सिमिली मेटाफर। तो यहाँ पे किस तरीके से कंपैरिजन किया गया है, वर्ल्ड को स्टेज से, ह्यूमन बींग्स को प्लेयर से, बर्थ एंड डेथ को एंट्रेंस एंड एग्जिट से, स्कूल बॉय को स्नेल से, द लवर साई को फर्नेस से, स्पॉटेड लेपर्ड को बियर्डेड सोल्जर से, इस तरीके से उसको यहाँ पे इसे बोला गया है मेटाफोरिकल। ओके मेटाफोरिकल यानी कि जस्ट क्या किया है यहाँ पे, कंपेयर किया जा रहा है किसी चीज़ से। नेम एंड एक्सप्लेन द पर्टिक डिवाइसेस एंड इन द फॉलोइंग लाइन्स, क्रीपिंग लाइक अ स्नेल, स्नेल की तरह से क्रीप करना, तो ये क्या है यहाँ पे सिमिली है, दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया जा रहा है लाइक वर्ड यूज़ करके। सोल्जर बेडेड लाइक द पार्ट, सेम थिंग सिमिली है लाइक यूज़ करके यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है दो चीज़ों को। साइंग लाइक, सेम चीज़ सिमिली यहाँ पे भी है, लाइक का यूज़ हो रहा है। मैन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स, ये मेटाफर है। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंस, अलिट्रेशन है क्यों यहाँ पे, तो अलिट्रेशन ब्रिटिश ऑफ द साउंड टी, तो टी यहाँ पे देखो देयर और यहाँ पे देयर एग्जिट एंड देयर, यहाँ पे ये क्या हो रहा है साउंड टी और ई एग्जिट, यहाँ पे एग्जिट और एंट्रेंस का यहाँ पे दोनों में ये ई ई मैच हो रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंस, एंट्रेंसेस अल्ट्रेशन रिपीटेशन, यहाँ पे टी को हमने देखा टी और ई है। ओके सो यस यहाँ पे ओके सो नेक्स्ट है यहाँ पे मेटाफर भी है, इम्प्लिसिट कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंसेस थिंग्स, दो चीज़ों के बीच में यहाँ पे डिफरेंस हो रहा, कंपेयर दिखाई कंपैरिजन दिखाई दे रहा है। विद अ वॉफुल बैलेड देयर इज अल्ट्रेशन WW का ट्रांसफर्ड एपिथेट भी है, इट इज़ नॉट द बैलेट दैट इज वो फुल बट द लवर। चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच फॉर द लाइन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड एक्सप्लेन इट, ऑल द वर्ड्स अ स्टेज अलिट्रेशन मेटाफर सिमिले, सो मेटाफर है ये। द वर्ल्ड इज इम्प्लिसिटी कंपेयर्ड विद द स्टेज, वर्ल्ड को किसके साथ कंपेयर किया गया, स्टेज के साथ में। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है लास्ट थ्री स्टेजेस इन अ पर्सन लाइफ, यहाँ पे देख सकते हो फिफ्थ स्टेज सिक्स स्टेज सेवन स्टेज ये दिया गया है। ट्रू एंड फॉल्स, मैन इन द फिफ्थ स्टेज ऑफ लाइफ इज फुल ऑफ विजडम, ट्रू। मैन इन द सिक्स स्टेज हैज अ फेयर राउंड बेली, फॉल्स, ये सारे आप देख सकते हो। राउंड बेली और आइज के पहले क्या आएगा सीवियर, वाइज सॉस हॉस के पहले यूथफुल, यहाँ पे आंसर दिया गया है। अभी से आपको यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है, आप देख सकते हो इसी पैराग्राफ से आपको इस तरीके से आएगा क्वेश्चन एग्जाम में भी, और जिस तरीके से क्वेश्चन आता है उसी तरीके से मैं आपको डाइजेस्ट में भी मिलेगा, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे। राइट डाउन इन योर ओन वर्ड्स द डिफरेंसेस बिटवीन द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ अ मैंस लाइफ फिफ्थ एंड सिक्स स्टेज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। द फिफ्थ स्टेज इज दैट ऑफ अ मैच्योर मिडिल एज्ड मैन विद अ राउंड बेली, ही इज स्टर्न एंड फॉर्मल एंड फुल ऑफ विजडम, ही इज फुल ऑफ वाइज सेइंग एंड गिव्स मॉडर्न एग्जांपल्स। देखो जो फिफ्थ स्टेज होता है वो कैसा होता है, मैच्योरिटी का होता है, मिडिल एज पर्सन होता है, यहाँ पे उसका पेट कैसे राउंड हो जाता है, यानी कि मिडिल एज में आ गया है तो इस तरह से पेट बाहर निकल आता है, और कैसा होता है बहुत बुद्धिमान हो जाता है यहाँ पे और बहुत समझदारी की बातें करता है, मॉडर्न एग्जांपल्स देता है। और सिक्स स्टेज में इंसान कैसा बूढ़ा हो जाता है और उसके पतले पैर हो जाते हैं, स्लीपर्स होता है, पैंट लूज पहनता है, स्पेक्टिकल्स पहनने लगता है अपने नोज़ पे, ठीक है, पाउच बाई साइड एकदम, मतलब मुंह कैसे पतला हो जाता है, क्लोज फिटिंग स्टॉकिंग्स विद ही हैड सेव्ड फ्रॉम हिज यंगर डेज,
आर नाउ टू बिग फॉर हिज थिन लेग्स. अभी पहले उसके जो यंगर डेज के कपड़े थे, जो भी चीज़ें थी, वो अभी उसको उसके पतले पैर में भी बड़े होंगे वो, ठीक है, पतले पतले पैर हो गए उसके. विच हैव श्रंक विद एज, एज के साथ में वो सिकुड़ गए हैं. हिज लाउड वॉइस, उसकी आवाज़ जो लाउड थी, विच वॉज वंस मैनली हैज नाउ बिकम चाइल्डिश, वो बच्चे की तरह हो गई, छोटी सी एकदम श्रिल हो गई, हो चुकी है. देर आर whistling sound when he talks, जब वो बात करेगा तो sound से बहुत ही पतली आवाज़ आएगी. okay, now third stage and fifth stage, this is based on the full poem. तो ये पूरा आपको बताना है. the third stage is that of a lover who is breathless and the sighing. अब मतलब कि यहाँ पे जो भी बोला गया है तो ये आपके poem के according ही आपको पूरा बता देना है. ही साइंस एंड सॉन्ग्स डेडिकेटेड टू द ब्यूटी ऑफ हिज लवर, अपने लवर के लिए वो पोएम लिखेगा, गाने लिखेगा, गाएगा. फिफ्थ स्टेज क्या होता है, मैच्योर मिडिल एज होता है, राउंड बेली, तो अभी हमने देखा. फर्स्ट स्टेज और सेवन्थ लास्ट स्टेज के बारे में बताना है. फर्स्ट स्टेज में एक छोटा बच्चा होता है, रोता है, थ्रोइंग सेम चीज़ नर्स के हाथ पे, वो किस तरीके से पूरा मतलब रोता है, पिकिंग करता है. ही इज़ अनअवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड हिम, क्या उसके आसपास हो रहा है उसको कुछ नहीं पता होता है. और द बेबी एट दिस स्टेज इज़ विदाउट टीथ, ना दांत होते हैं, ना विजन होता है, ना टेस्ट होता है उसके पास, कुछ नहीं होता है. लास्ट स्टेज में द लास्ट स्टेज ऑफ ऑल विच एंड्स वंस इवेंटफुल लाइफ इज मैन इज व्हेन मैन बिकम्स सेनाइल एंड एंटर्स हिज सेकेंड चाइल्डहुड. इस कह सकते हैं कि सेकेंड चाइल्डहुड में आ जाता है इस टाइम पे बच्चा, इस टाइम पे जो इतना जब एकदम लास्ट स्टेज में आ जाते हैं तो वो भी बच्चे जैसा हो जाता है. उसके वो फिर से अनअवेयर हो जाता है उसके आसपास क्या हो रहा है. उसके सेंसेस जो होते हैं, जो सेंसेस होते हैं, ऑर्गन ऑफ सेंसेस होते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं. और ये फाइनल स्टेज होता है व्हेन ही इज़ वंस मोर विदाउट टीथ, वापस से उसके पास ना टीथ होते हैं, ना विजन होता है, ना टेस्ट होता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे करके. फिर से मतलब एक चाइल्ड के ही स्टेज में फिर से आ जाता है ये लास्ट स्टेज में. वॉट इज़ द थीम, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, या फिर इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम. सेम चीज़ भाई, द थीम ऑफ दिस पोएम इज़ द साइकिल ऑफ लाइफ. इट टेल्स अस हाउ वन स्टार्ट्स आउट एन इन्फेंट हेल्पलेस एंड अनअवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स एंड एंड्स द सेम वे. अंत भी उसका वैसे ही होता है कि एक शिशु की तरह ही हेल्पलेस अनअवेयर होता है उसके आसपास क्या हो रहा है, विदाउट बींग अवेयर ऑफ वॉट इज हैपनिंग अराउंड वन. द लास्ट सेवन स्टेज इज अ स्टेज ऑफ लाइफ साउंड्स वेरी सैड एंड मिजरेबल. हाउ कैन यू मेक ओल्ड एज ऑल्सो चेयरफुल एंड हैप्पी. बहुत ही दुखी अवस्था होती है ये, किस तरह से आप इसे खुशहाल बनाओगे. वी कैन मेक द लास्ट स्टेज जॉयफुल बाय प्रिपेरिंग फॉर इट बिफोर हैंड. वी नो द मोस्ट ऑफ अस विल रीच दिस स्टेज बिफोर आवर फाइनल एग्जिट. हैंस वी मस्ट मेंटेन गुड हेल्थ, अच्छा हेल्थ होना चाहिए, एंड कीप गुड रिलेशंस विद आवर फैमिली, फैमिली से अच्छा रिलेशन होना चाहिए, एंड द पीपल अराउंड अस, हमारे आसपास जो लोग हैं. वी मस्ट सेव इनफ मनी टू गेट अस थ्रू दिस स्टेज विदाउट एनी स्ट्रेस और ऑन आवर सेल्फ और अदर्स. हमारे पास पैसे होने चाहिए और विदाउट एनी स्ट्रेस हमारे लिए या दूसरे के लिए हम ज़्यादा स्ट्रेस ना दे सके, क्योंकि पैसे का ही खेल है, ठीक है. नाउ स्टेजेस ऑफ मैन, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ दिया गया है. एडल्ट मैन है, ओल्ड मैन है, वेरी ओल्ड मैन है, फैट हो जाता है फिफ्थ में, सीरियस वाइज बुद्धिमान हो जाता है, एडवाइस देता है, पतला हो जाता है, श्रंकन हो जाता है, स्ट्रिल वाइज में बात करता है. यहाँ पे तो और भी हालत बुरी हो जाती है, उसके आसपास क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, एकदम बच्चों वाली हरकतें हो जाती हैं. नाउ पिक आउट द लाइन्स दैट कंटेन इमेजरी पिक्चर क्रिएटेड इन द माइंड बाई यूजिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग पीपल. जज फिफ्थ स्टेज यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखो दिया गया, इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैप एंड लाइन विद आई सीवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट. फॉर्मल कट में बियर्ड हो जाते हैं. ओके, सीनियर सिटीजन सिक्स स्टेज की बात कर रहे हैं. यूथफुल हॉज होता है, वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर अ श्रंकन श्रंक शैंक. इन सब का टफवर्ड मीनिंग ऊपर दिया गया है. द पोएम इज एंटायरली मेटाफोरिकल, पिक आउट द कंपेरिजन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट. लास्ट स्टेज ओल्ड एज का क्या है, लास्ट सीन है. नेम द एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच यूज द फॉलोइंग लाइन्स. हिज यूथफुल हॉज वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड, अलिटरेशन है,
और यहाँ पे देखो क्यों अल्ट्रेशन है, क्योंकि रिपीट हुआ है W वेल वर्ल्ड वाइड फॉर इज शंक शंक, वापिस से रिपीटेशन है SS टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रबल ट्रेबल अगेन इट्स अलिट्रेशन बिकॉज ऑफ टी इज रिपीटिंग थ्री टाइम्स. सेंस टीथ सेंस आइस ये भी रिपीटेशन है, ये रिपीटेशन है एक्चुअली. सेंस 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 बार बार यूज हुआ है, द वर्ड जो सेंस है बार बार रिपीट किया गया है एम्फेसिस के लिए. अप्रिसिएशन यहाँ पे दिया गया है आपको अलग से, अगर इसका अप्रिसिएशन एकदम एक्सप्लेन करके चाहिए तो वो अलग से मिल जाएगा आपको. आपको पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना होता है इस तरीके से, तो आप देख लीजिए इसको. द पोएम ऑल द वर्ड्स ऐसे ही स्टार्ट करना होता है आपको, ऐसे ही स्टार्ट कीजिए. एक याद कर लीजिए आपको सारे याद हो जाएंगे. पहले आपको क्या करना होता है, पोएम का नाम दिया जाता है, पोएट का नाम दिया जाता है एग्ज़ाम में आपको, ठीक है. पोएम दिया रहता है, पोएम के ऊपर टाइटल दिया रहता है और यहाँ नीचे पोएट का नाम रहता है, तो वो दो चीज़ तो आपको मिल गए खुद से, ठीक है. समझने की ढूंढने की जरूरत नहीं है. तो द पोएम ऑल द वर्ड्स स्टेज, पहले आपको पोएम का नाम लिख लेना है. इज रिटन बाय, यहाँ पर रिटन नहीं लिखा है आप लिख लेना, इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. इट इज़ टेकन फ्रॉम शेक्सपियर्स प्ले, उनके प्ले से लिया गया है एज यू लाइक इट. कौन सा प्ले है ये, एज यू लाइक इट. इट इज़ अ मोनोलॉग बाय वन ऑफ द करेक्टर्स इन द प्ले, ये मोनोलॉग है जो एक ही करेक्टर है इसमें. द पोएम इज रिटन इन द ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है. देयर इज़ नो राइम स्कीम बट देयर इज अ स्टेडी रिदम ऑफ फाइव बीट्स, ओके, लैम्बिक pentameter in each line. There are many figure of speech like simile, alliteration, repetition, but the one that stands out is metaphor. Metaphor hi hai pura. In the lines, all the words are stage and all men and women are merely players. There is an implied comparison between two different things. In this poem, Shakespeare compares life to a stage. He has divided life into seven stages. Saat stage mein baant diya hai. Each having its own varied qualities and features, the theme of the poem is the cycle of life. It tells us how one starts out as an infant, helpless, without understanding, and ends the same way, without being aware of what is happening around one. The poem आपको अच्छे समझ में आना चाहिए, poem का central idea वो याद होना चाहिए. Simile उसका एग्जाम्पल, ऑनोमेटोपिया, अल्ट्रेशन, मेटाफर, इन्वर्जन, ट्रांसफर्ड, एपिथेट, सबका यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल, वो आप देख लीजिए. आई होप कि आपको समझ में आएगा. आई होप कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहा हो जो भी मैंने आपको समझाया है. यहाँ पे देखो आपको समरी दिया गया है लिखने के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हो. यहाँ पे हमने ये कम्प्लीट कर लिया, ये चैप्टर ऑलरेडी आई थिंक अपलोडेड है, नहीं होगा तो मैं आपको ये भी बता दूँगी, ठीक है.